गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस एरिया इन वॉल्यूम्स के पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको मैंने क्यूब बताया था, क्यूब के बारे में, फिर आपको सिलेंडर बताया, देन आपके कोन आया। अब चौथे पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्फीयर के लिए। तो एक स्फीयर जो होता है हमारा, उसमें सिर्फ क्या होती है, रेडियस, यानी कि कहीं पर भी आप कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ रेडियस। और अगर उसी हेमिस्फीयर के हम दो पार्ट कर दें, ठीक है, मान लीजिए ये देखिए हेमिस्फीयर था, मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, तो इस हेमिस्फीयर में आपका क्या बन रहा है, इस हेमिस्फीयर में आपका क्या बन रहा है, मतलब स्फीयर से दो क्या बन रहे हैं, हेमिस्फीयर। तो आज हम लोग इसी स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपको लर्न करने होंगे फॉर्मूलास। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4πr² यानी 4πr का स्क्वायर। फिर उसके बाद हेमिस्फीयर की बात करें, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, स्फीयर में आपका जो CSA होता है और जो TSA होता है वो एक ही चीज़ होती है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है आपकी सरफेस एरिया। पर जो हेमिस्फीयर होता है इसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि ये वाला पार्ट जो हमारा होता है, ये तो हमारा हो जाए यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब ये वाला पार्ट हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं और तब पूरा आता है, तो ये टोटल सरफेस एरिया का आता है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जस्ट सरफेस एरिया का हाफ होता है, इसका 4πr², तो इसका आधा यानी 2πr². टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 1πr² यहाँ पे और ऐड हो जाता है इसमें, तो 2πr² प्लस πr², इसका मतलब 3πr². तो आप जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो इन्हीं तीन फॉर्मूलाज बेस्ड देखेंगे, और अपने NCERT की 13.4 एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है हमारी स्फीयर और हेमिस्फीयर पे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स मैंने पिक किए हैं जो कि आपके NCERT के एग्जांपल नंबर 7, 8, 9 और 10। ठीक है, देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 7 में कह रहा है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है 4πr², यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 × 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे तो 4 × 22/7 × 7 × 7, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 × 4 = 28, और जब 28 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो 616 cm² तो हमारा आंसर क्या आ गया, सरफेस एरिया कह लीजिए चाहे कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 21 cm है, इसमें हमें दो आंसर निकालने, सॉरी हेमिस्फीयर है, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया निकालने। तो पहले सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का CSA लिखेंगे, वो क्या होता है हमारा 2πr², यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 21 × 21 स्क्वायर, 7 × 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा CSA क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 2772 cm². इसी तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले TSA का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 3πr², ठीक है, तो 3π की वैल्यू 22/7 रखनी है, फिर उसके बाद r का स्क्वायर यानी 21 × 21, 7 × 21। आप सबका इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4158 cm², ठीक है। तो इस तरीके से हम TSA भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपको रेडियस दी हुई थी और सीधे सीधे आपसे कह रहा था कि इसमें निकालिए TSA और CSA, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, तब चेंज करने के लिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कह रहे हैं कि आपका होलोस्फीयर दिया हुआ है, होलोस्फीयर का मतलब है अंदर वो खोखला है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 7 मीटर है, हमें उसका एरिया निकालना है। आपको पता है चाहे वो स्फीयर हो होलोस्फीयर हो, सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आर आती है, हमें दिया क्या है डायमीटर, तो आपको पता है डायमीटर और रिलेशनशिप होता है हमारा रेडियस में, तो क्या रिलेशनशिप होता है, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की जस्ट क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना डायमीटर जो दिया हुआ था 7 मीटर, उसका जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5 मीटर, ये हमारी निकल के क्या आ जाएगी, रेडियस। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायमीटर दे देगा, रेडियस डायरेक्ट नहीं होगा, तो आपको डायमीटर का हाफ करके अपनी रेडियस को निकाल देना। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला है 4πr², यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 4 ×
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी रख देंगे अब यहाँ पे 3.5 × 3.5। अब चाहे जैसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मैं डेसिमल हटाता हूँ, 0, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4। जब इन सबका आपस में आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आएगा 154 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर इसलिए क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट था वो मीटर दिया हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा ही है कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं, बस आपको समझना है। इसमें कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम, डोम का मतलब गुंबद, उस गुंबद में हमें पेंटिंग करानी है, ठीक है। तो अगर वो हमारा गुंबद होगा तो गुंबद कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। हेमिस्फेरिकल जो गुंबद होगा वो इस तरीके से होगा। कह रहा हमें इसमें पेंटिंग करानी है, इसके अंदर हमें क्या कराना है, पेंटिंग करानी है। तो पेंटिंग कराने का खर्चा कह रहा है कितना आएगा, अगर उसका सर्कमफेरेंस यानी जो 2πr है वो 17.6 मीटर है तो हमें पेंटिंग का कॉस्ट बताना है। सर्कमफेरेंस का मतलब है पूरा, आपको ये चीज़ दे दिया है। तो सबसे पहले आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट निकालने के लिए कहेगा तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया पता हो जाएगा, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रहा था वो कह रहा था 100 cm² के हिसाब से, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 5 रुपये लगेंगे पर 100 cm² एरिया। चलिए वो तो बात की बात है, सबसे पहले एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। तो एरिया हमें सीएसए के लिए 2πr², आर चाहिए, आर गिवन नहीं है, पर हमें सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr हमें कितना गिवन है, 17.6। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे और इससे हमें जो अननोन फिगर है आर वो हमारा निकल के आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 44 से डिवाइड करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 2.8 मीटर। ये हमारी आर निकल गई है, मैंने क्या किया है सिर्फ इसको सॉल्व किया है, तो हमारी आर निकल के आ गई 2.8 मीटर। अब अगर हमारे पास आर आ गई है तो आर जब आ जाएगी तो आप कोई भी चीज़ इजली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, हमें पेंटिंग निकल का कॉस्ट निकालना है। आपको पहले भी बताया था जब कभी भी पेंटिंग के लिए या इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमें सीएसए निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम सीएसए निकालते हैं इसका। तो सीएसए के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास 2πr², यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 × 22/7, आर हमने निकाला है कितना 2.8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो हमारा जो सीएसए निकल के आएगा वो आएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जो हमारा क्वेश्चन में खर्चा दे रहा है 100 cm² के हिसाब से 5 रुपये, ठीक है, लेकिन हमारा जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है मीटर में। तो पहले हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, कह रहे हैं 100 cm² जो है वो 5 रुपये के बराबर है, तो हम 1 m² का अगर निकालेंगे तो आपको भी पता है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 500। यानी 1 m² का खर्चा कितना आ रहा है, 500 रुपये। हमारे पास टोटल एरिया कितना है 49.2 है, तो हम कितने का निकालेंगे 49.28 m² का अगर निकालेंगे तो 500 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा जितना एरिया हमें निकाला है। तो जब आप 49.28 को 500 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 24,460 रुपीज़, यानी टोटल खर्चा आएगा 24,460। तो इस तरीके से आप अपने स्फीयर और हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस को कर सकते हो। जब भी खर्च की बात आएगी तो हमें वहाँ पे स्फीयर को निकालना होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा फिगर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।